वहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, एक मोटर लगा रखी है। अच्छा। जो लिथियम आयन बैटरी है ना, उस यहाँ से स्टीयरिंग एडजस्ट करते हैं। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप ही का चैनल रोवर द सनी के अंदर। दोस्तों तो दोस्तों हम लोग बैठे हैं ग्रैंड विटारा के अंदर, हाइब्रिड के अंदर, ऊपर सनरूफ है और आप देख पा रहे होंगे बाहर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अरे महीना है मार्च का सन 2024 में, अगर यहाँ NCR में बारिश हो रही है तो यानी हिल्स के ऊपर खूब अच्छी खासी मात्रा में स्नो गिर रही होगी। तो हम स्नो में नहीं जा रहे हैं दोस्तों, आज ग्रैंड विटारा हाइब्रिड को हम सर्विस कराने लेके जा रहे हैं। तो आज हम सर्विस में, चौथी सर्विस है हमारी, तीन सर्विस गाड़ी के साथ फ्री आती है, थर्ड सर्विस में आपको आपके जो इंजन ऑयल्स होते हैं, फिल्टर होते हैं, उनकी कॉस्ट देनी पड़ती है। और ये चौथी सर्विस जो होती है 20,000 किलोमीटर पे होती है, हर 10,000 किलोमीटर पे एक सर्विस होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लास्ट ट्रिप हमने दिल्ली से रामेश्वरम तक का किया और रामेश्वरम तक जाने में करीब हमने 6,700 किलोमीटर गाड़ी चला दी थी। और पिछले एक महीने के अंदर यानी कि फरवरी महीने के अंदर हमने 200-300 ही गाड़ी चलाई, ज्यादा गाड़ी हमारी शहर में चलती नहीं है। हमारी नॉर्मली ग्रैंड विटारा मोस्टली हाईवे के ऊपर ज्यादा चलती है, हाईवे के ऊपर एवरेज देता है गाड़ी 23-24 के बीच में दोस्तों। और सिटी के अंदर अगर हम देखें तो इसमें काफी अच्छा एवरेज आता है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स। तो आप देख रहे हैं अभी ये गाड़ी हमारी चल चुकी है इस ट्रिप के अंदर 7,000, जो हमारी पीछे वाली ट्रिप थी, और टोटल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है, 20,328। और ये जो फ्यूल टैंक है जो आधा हो चुका है, उसमें हमने आधे के अंदर ये गाड़ी ग्रैंड विटारा शहर के अंदर 600-600 किलोमीटर चला दिया दोस्तों। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, आगे की स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो देखिए शहर के अंदर गाड़ी ग्रैंड विटारा 28.7 करीब करीब 29 का एवरेज दे रही है दोस्तों। और अभी भी आप देख रहे हैं 629 का इसमें और रेंज बची है, जबकि पेट्रोल टैंक जो आप देख रहे हैं उधर साइड में वो आधा है। तो दोस्तों गाड़ी ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है और मौसम बहुत बढ़िया है। हम जा रहे हैं अपनी रीजेंट मोटर्स के अंदर, जो कि हमारा घर के नियर बाई है और बहुत अच्छी सर्विस मिलती है वहाँ पे रीजेंट मोटर्स में। ओवरऑल अच्छा है वहाँ पे, नेक्सा का भी है और एरीना भी है, दोनों ही, तो दोनों ही आसपास में ही है, दोनों रीजेंट मोटर्स के हैं। तो हम रीजेंट मोटर्स जा रहे हैं और चौथी सर्विस के अंदर क्या क्या काम होता है ग्रैंड विटारा हाइब्रिड यानी कि आपकी जो बैटरी वाली कार है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बैटरी है जिसमें टोयोटा इंजन है, उसमें क्या क्या काम होता है चौथी सर्विस के अंदर और क्या क्या चीजें चेंज होगी, क्या क्या चीज सर्विस के अंदर क्लीनिंग होगी, ये सारी जानकारी हम आपको सर्विस सेंटर में देंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए चलते हैं रीजेंट मोटर्स की तरफ दोस्तों। मौसम कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और चलते हैं दोस्तों। देखिए गाड़ी बिल्कुल ही स्टार्ट थी और ये इलेक्ट्रिक ईवी मोड आप देख रहे हैं, ईवी पे चल रही थी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी गाड़ी के अंदर, साइलेंट थी बिल्कुल गाड़ी। तो हम चल रहे हैं दोस्तों। और तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके सर्विस सेंटर, हमने एंट्री करा ली है हाइब्रिड कार के लिए। तो हमारी चौथी पेड सर्विस, जैसा कि हमने बताया, अब गाड़ी को लिफ्ट में लगाया जाएगा और इसको ऑयल फिल्टर को चेंज करने के लिए इंजन गार्ड खोले जा रहे हैं। जब तक सामान आएगा तब तक मैं आपको गाड़ी के नीचे से दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए ऑरेंज वाली जो वायर है, ये बिजली की मतलब इलेक्ट्रिक वायर जो बैटरी से कनेक्ट करती है पीछे की तरफ, इस गाड़ी की बैटरी जी पीछे डिग्गी के अंदर है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका ऑयल टैंक है। और ये आगे की तरफ आप देखेंगे तो ये खोल रहे हैं, साथ साथ में पूरा का पूरा आप देख रहे हैं इंजन का पूरा कवर्ड है, कहीं से भी इंजन ओपन नहीं है, सिर्फ साइलेंसर को छोड़कर। नीचे साइलेंसर के चारों तरफ से भी आप देखेंगे तो एक इंसुलेशन लगा हुआ है ये। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं दोस्तों ये क्या क्या बदलेंगे यहाँ पे। ये ब्लैक कलर का ऑयल फिल्टर है, इन्हीं से पूछते हैं कैसे खोलेंगे हमारे। ये इसे खोलोगे आप? हाँ, जो एसी कंप्रेसर है ये। हाँ, एसी कंप्रेसर भी ये बिजली से कनेक्ट। हाँ जी। अच्छा, ये ना लग रहा है एसी के पाइप ये। हाँ, और ये आपका मेन इंजन है ये। हाँ, ये इसका गियर बॉक्स है, ये इंजन है इधर वाला, इधर वाला इंजन है। हाँ, ये गियर बॉक्स है इधर वाला, ECVT का। दोस्तों जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका कौन सा इंजन का पार्ट है, कौन सी क्या चीज़। देख रहे हैं आप ब्लैक वाले पाइप, ये कूलेंट के पाइप है, ऑरेंज वाला पाइप आपका बैटरी कनेक्टेड है जो कि कंप्रेसर से कनेक्टेड है दोस्तों। और मैं आपको एस्टीमेट बताया था, उन्होंने 3,000 रुपये आपका मेंटेनेंस का वर्क कॉस्ट दिखाई है इसमें और 4,000 रुपये के पार्ट्स की कॉस्ट बताई। मैं आपको इस वीडियो में बने रही है, आगे बताऊँगा कौन सा पार्ट खोलेंगे। अभी ये लोग एसी के लिए ऑयल फिल्टर चेंज करने जा रहे हैं, उसके लिए आराम आराम से चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा थोक पीट के मतलब इसको उसको टूल को फंसा के अभी ऑयल फिल्टर खोलेंगे और ऑयल को ड्रेन नट से यहाँ से पहले यहाँ से निकालेंगे इस फिल्टर को चेंज करने के बाद, फिर ड्रेन नट खोलेंगे। इसका ड्रेन नट काफ़ी कॉस्टली आता है, 1200-1500 रुपये का ड्रेन नट है जो ग्रैंड विटारा हाइब्रिड का आता है। तो इसको बड़े आराम से खोलते हैं। अब ये कैलिपर्स पे खोल दिया इन्होंने ब्रेक्स पैड्स को, इस पर ये क्लीनिंग करेंगे, एयर मारेंगे जिससे कि हमारे ब्रेक स्मूथ हों। बेचारे के चारे उन्होंने पहिए हटा दिए हैं, इसको भी एयर से इसको क्लीनिंग करेंगे। और ये यहाँ से आप देख रहे हैं ड्रेन नट को ये खोल रहे हैं, जहाँ से एक सारा ये ऑयल को जो पुराना ऑयल है उसको निकाल लेंगे और फिर ऊपर से इसको नया बदलने के बाद, मतलब नीचे जो फिल्टर है उसको नया लगाने के बाद, आप ऊपर से नया नया ऑयल डाल देंगे।
तो ये हमारा ड्रेन डिस्चार्ज हो गया, यहाँ से एक क्लीनिंग हो रही है, एयर क्लीनिंग करते हैं इसको, कैलिपर्स को जो ब्रेक पैड्स हैं उस पर एयर क्लीनिंग कर रहे हैं ये। और अब मैं आपको पार्ट्स के बारे में और जानकारी देता हूँ कि क्या क्या पार्ट्स कितने कितने के इसमें डल रहे हैं। तो ये तो आ गया आपका दोस्तों आपका एयर फिल्टर, तो एयर फिल्टर की कॉस्ट आपको इसमें दिखा रहा है, आप खुद देख सकते हैं 310 रुपीज़ का एयर फिल्टर है इसका। और जो इसका आपका इंजन ऑयल का फ़िल्टर है वो आपको 510 रुपये का है। और ये आपका इसका 3.5 लीटर जो इसके अंदर तेल जाता है इंजन ऑयल, वो अलग ही डलता है, इसका नॉर्मल नहीं है, 1800 रुपये का ये डलता है। ये इसके अंदर डाल रहे हैं इसके अंदर, और ये ऊपर से टॉप अप कर रहे हैं नीचे से लॉक। तो ऑलमोस्ट ये 3.5 लीटर इसमें तेल चला जाता है दोस्तों। फिर भी ये इसको अभी चेक करेंगे, ये इस रॉड से चेक करेंगे निकाल के, जो इसका इंजन चेकिंग है, देखिए समझते हैं इनसे क्या चेक कर। इंजन ऑयल में देखिए दो मार्क्स होते हैं, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। ये मिनिमम का मार्क है पहला वाला, और ये मैक्सिमम का मार्क है। अभी कहाँ है भाई, अभी कितना दिख रहा तुमको? मैक्सिमम मैक्सिमम पहुँच गया, पूरा डल गया, बच गया। दो चार जो बूंद बचा था वो भी डाल रहे हैं इसके ऊपर से, ये क्लीन कर रहे हैं एयर फिल्टर। और यहाँ पे अब ये नया एयर फिल्टर लगा दिया इन्होंने, नया एयर फिल्टर डाल रहे हैं। इसके बाद ये फर्दर अब इसकी देखते हैं कूलेंट वगैरह कैसे हैं, उसकी लेवल वगैरह और ब्रेक ऑयल कैसा है वो सब चेक करेंगे। बता रहे हैं ये काफ़ी शोर है, ये आपका पिंक कलर का जो है ये आपका कूलेंट है, और ये ब्रेक ऑयल पे कपड़ा मार रहे हैं लाल रंग से, तो ये साफ़ कर दिया इन्होंने। कपड़ा कोई से भी रंग का मार सकते हैं भाई। और जो है ये हमारा यहाँ से विंडशील्ड का लिक्विड है, यहाँ से इन्होंने डाल दिया। ये हमारा बैटरी का टॉप अप हुआ हुआ है, ये बैटरी इसकी जो हाइब्रिड की है, मतलब ये बैटरी सिर्फ इंजन को स्टार्ट करने वाली है, पीछे वाली बैटरी को ओपन नहीं करते, उसको टच नहीं करते। तो दोनों सेल्स को चेक कर रहे हैं, उसमें वाटर लेवल ठीक है कि नहीं ठीक है, तो ये सब ठीक है। इसके अंदर दिखा देते हैं आपको, ये पूरा फुल है वाटर इसके अंदर, जिसके अंदर वाटर डलता है। तो अब एडवाइज़र साहब के साथ चलते हैं दोस्तों, एडवाइज़र साहब से काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसकी गाड़ी की फंक्शनिंग के बारे में। चलिए ये क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग के बाद हम रोड टेस्ट पे जाएंगे दोस्तों, और एडवाइज़र साहब से फुल डिटेल लेंगे आपसे, और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आगे की वीडियो को। क्लीनिंग हो चुकी है, अब एडवाइज़र साहब इसका फिल्टर लगा रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों हमारे साथ हैं कपिल जी, जो कि रीजन मोटर्स के सीनियर एडवाइज़र हैं। अब हमने इसकी सर्विस कर चुके हैं इस गाड़ी में, और हम इसका एसी फिल्टर लगा रहे हैं, उसके बाद हम इस गाड़ी का रोड टेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी वॉशिंग कराएंगे, और लास्ट में हम सबसे बाद में इसका अलाइनमेंट कराएंगे। इसमें हमने इसका जो शेड्यूल सर्विस होती है वो किया है, जैसे कि हमने इसके चारों ब्रेक खोल के क्लीन किए हैं, और इंजन ऑयल फिल्टर चेंज किया है, एयर फिल्टर चेंज किया है, एसी फिल्टर चेंज किया है, और जो भी कूलेंट है उसका लेवल चेक किया है, और ब्रेक ऑयल है उसका लेवल चेक किया, वो सब ओके हैं। चारों ब्रेकों में जो इसकी डिग हैं कैलीपर, उनमें हमने हवा मारी है, और एसी फिल्टर हमने चेंज कर ही दिया, बस अब फाइनल रोड टेस्ट है इस गाड़ी का। गाड़ी बहुत बढ़िया है, खास बात यह है कि देखो तुम्हें चार्जिंग नहीं करनी पड़ती इसमें, मेन चीज़, क्योंकि जो भी ईवी गाड़ी है उनमें अधिकतर चार्जिंग करनी पड़ती है, आप इसे लद्दाख ले जाओ चाहे कहीं भी ले जाओ, इसमें चार्जिंग का कोई ऐसा नहीं है कि आपको जाकर चार्जिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आपकी बैटरी डाउन होगी तुरंत इंजन स्टार्ट हो जाएगा, वो इंजन इसलिए लगा है कि सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए लगा है मोस्टली। लोगों को ये बता रखा है किसी ने कि इसकी बैटरी ये 10 किलोमीटर इंजन पे चलती है, ऐसा नहीं है, हमेशा ही बैटरी पे चलती है। अच्छा। कि इंजन लगा हुआ है तो लोग ये सोचते हैं कि भाई कि इंजन पे चलेगी कुछ देर बाद बैटरी पे चलेगी, ये हमेशा बैटरी पे चलती है, और जैसे ही बैटरी डाउन हो जाती है हल्का सा डाउन तुरंत इंजन स्टार्ट हो जाता है और चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर इंजन बंद हो जाता है। नॉइज चेक करते हैं, कहीं से नॉइज तो नहीं आ रही है किसी तरह की, और कोई ऐसा कुछ पार्ट जो है रोड टेस्ट में अलाइनमेंट वगैरह भी चेक करते हैं हम, के कोई अलाइनमेंट आउट तो नहीं है गाड़ी का, या इधर उधर पुलिंग तो नहीं हो रही गाड़ी, या कोई ब्रेक नॉइज तो नहीं कर रहा है। तो क्या गाड़ी के अंदर सारे फीचर्स हैं, ABS भी है, EBD भी है, ESP भी है। ESP का क्या काम होता है? ये ESP इलेक्ट्रो स्टेबिलिटी प्रोग्राम होता है। अच्छा, ये कब काम आता है? ये जब आप रैंपल ऐसे गाड़ी ऐसे ऐसे करके चला रहे होंगे ना, ऐसे 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 और कहीं खंभे गड़े हुए हैं रैंपल टाइप, तो कई बार क्या होता है जो गाड़ी का पिछवाड़ा जो होता है ना, जो पीछे वाला एरिया होता है वो डिसबैलेंस होने का चांसेस होता है ज्यादा, तो उस समय क्या काम करेगा, इस एंगल सेंसर से वो सिग्नल लेके, क्योंकि इसके अंदर एंगल सेंसर लगा हुआ है, तो वो देख लेता है कि कौन सा पहिया ज्यादा तेज गति से घूम रहा है, तो वो उस पर अपने आप ही जो हाइड्रोलिक यूनिट लगी है वो ब्रेक अप्लाई कर देती है, तो जिससे क्या होता है वो पहिया डिसबैलेंस होना बंद हो जाता है, मतलब पिछवाड़ा डिसबैलेंस होना बंद हो जाता है। और जो आप बता रहे थे दूसरा ABS EBD, EBD तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो चारों पहियों पे ब्रेक डिस्ट्रीब्यूट करती है फोर्स को, और ABS तो जाहिर सी बात है आप पता ही है, उस ABS यूनिट के अंदर ही हमने चारों फीचर ऐड कर रखे हैं तीनों। अच्छा, ABS यूनिट कहां पे रहती है? ये आगे आगे इंजन में लगी हुई है। जी जी, थोड़ी सी तो नहीं आती पर वो आवाज कभी कभी मैंने ऑब्जर्व की है, मतलब ऐसे ऑफिस जाते हैं। दरअसल क्या वहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, एक मोटर लगा रखी है। अच्छा। जो लिथियम आयन बैटरी है ना, उस पर एक मोटर लगा रखी है, अगर वहाँ टेम्परेचर जरा सा बढ़ेगा ना, तो वो क्या है वहाँ मोटर ऑपरेट होती होगी। अच्छा।
तो वहाँ ब्लोअर फैन चलता है, जैसे हमारे एसी के लिए ब्लोअर फैन चला रखा ना, ऐसी नहीं लिथियम हमारे बैटरी पे ब्लोअर फैन लगा रखा है कि वो गर्म ना हो। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा करा रहे हैं व्हील अलाइनमेंट, तो ये व्हील अलाइनमेंट के लिए उन्होंने लगा दिया चारों टायरों के ऊपर। अब ये नीचे जाके थोड़ा एडजस्ट करेंगे और हम इनसे जानेंगे, पहले इनको कर लेने देते हैं फिर इनसे जानेंगे ऐसा क्या चेंजेस करते हैं जिससे कि जो पैरामीटर्स हमारे रेड जो अभी दिख रहे थे थोड़ी देर पहले वो ग्रीन हो जाते हैं। तो पहले इनको करते हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं ये और नीचे व्हील की तरफ कोई नट को जो है मेरे को जानता हूँ उसको ढीला करते हैं। देखिए आप कुछ पैरामीटर रेड हैं ये ग्रीन हो जाएंगे, तो अब इनसे समझते हैं कि ये पैरामीटर्स कैसे ये ग्रीन किए इन्होंने, क्या ऐसा चेंजेस करते हैं नीचे। अच्छा इसको हम खोल के, इस नट को खोल के यहाँ से स्टीयरिंग एडजस्ट करते हैं। अच्छा ये होते हैं हमारे बॉल एंड, ये होता है स्टीयरिंग रॉड। अच्छा ये आपका बॉल एंड हो गया, ये स्टीयरिंग रॉड, इसको आप ढीला टाइट करते हो। हाँ जी, लूज करके, लूज करके, लूज करके। और इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, ये रहा ये स्टीयरिंग कंट्रोल है जी। ये है दोस्तों स्टीयरिंग कंट्रोल, पीछे वाले में जरूरत पड़ती है? पीछे वाले में सर अभी नहीं है, पर अब जो बड़ी गाड़ियाँ होती है उनमें होता है। अच्छा पीछे में, यहाँ में इसमें नहीं है। पीछे वाले में मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया आपको कि हाँ। पीछे का जो हमारा होता है वो डेड एक्सल होता है। हाँ इसमें पीछे भी मारुति में एडजस्टेबल नहीं है। नहीं है, सिर्फ आगे से एडजस्ट करके काम हो जाता है, इसलिए हम अलाइनमेंट एडजस्ट करते हैं। एक तो ये हो गया आपका और दूसरा। तो दोस्तों ऑल डन, अब ये क्लीनिंग हो रही है, बिल हमारा आ चुका है 5000 के आसपास का। तो दोस्तों ग्रैंड विटारा की फोर्थ सर्विस में 5000 का बिल आया। ओवरऑल वीडियो में हमने आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बच गया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा दोस्तों, और आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड गिविंग यू ऑल सपोर्ट। So thank you so much dosto once again, bye bye, we'll see you later.